तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का आधार कार्ड से पैसा निकासी जो कि बैन कर दिया गया है। क्या ये सच्चाई है, इसमें कितना सच्चाई है कि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का आधार कार्ड से पैसे निकासी नहीं कर सकते हैं, ये एपीएस सर्विस बैन कर दिया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, क्या ये सच है या नहीं सच है, क्योंकि जून से ही बताया जा रहा है कि एपीएस ट्रांजेक्शन बैन कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का आज की डेट में ही, जो कि आज है 20 जुलाई और मैंने आज की डेट में ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 1000 रुपया एपीएस ट्रांजेक्शन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इससे आप समझ चुके होंगे कि एपीएस सर्विस अभी तक चालू है और ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि बैन कर दिया गया है जो कि जून से ही, तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए आप पहले ये सोचे कि क्या आरबीआई की तरफ से ऐसा कोई जारी किया गया है, कोई भी नोटिफिकेशन आया है, क्या बैंक की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया है कि बैन कर दिया गया। आप लोग खुद से सोच रहे कि बैन कर दिया गया है, जब भी आप एपीएस विड्रॉल करते हैं तो वहां पे लिख दिया जा रहा है कि इनवैलिड ट्रांजेक्शन, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि बैन कर दिया, क्योंकि बैंक की तरफ से तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन मिला ही नहीं, तो कैसे बैन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर कुछ भी लागू किया जाता है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, ऐसा बिल्कुल भी अभी तक कुछ भी नहीं आया है। तो इससे आप ये बिल्कुल भी ना सोचे कि बैन कर दिया गया। तो आखिर मैंने कैसे ये ट्रांजेक्शन किया है और कैसे ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्योंकि आप भी कर रहे होंगे ट्रांजेक्शन तो इनवैलिड ट्रांजेक्शन लिख रहा होगा, और मैंने कैसे ये विड्रॉल किया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अभी जो कि 90% लोगों को अगर आप विड्रॉल करते हैं तो वहां पे इनवैलिड ट्रांजेक्शन लिख रहा होगा, और यहां पे 10% लोगों का ही पैसा विड्रॉल हो रहा होगा, जो कि मेरे साथ भी ये हो रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, तो फ्रेंड्स मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊं। तो फ्रेंड्स जो कि 10% लोगों का जो पैसा विड्रॉल हो रहा है तो उसको कुछ नहीं करना है, और जो 90% लोगों का पैसा विड्रॉल नहीं हो पा रहा है उस लोगों को आपको क्या करना है। अगर आप एपीएस विड्रॉल करते हैं, जैसे कि आप अगर एपीएस विड्रॉल करने का कार्य करते हैं, तो आपका जो भी कस्टमर आ रहा है उन कस्टमर को आप सलाह दे सकते हैं कि आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड और बैंक का खाता लेकर के आप अपने बैंक में जमा कीजिए, केवाईसी आप करवाइए, जो कि केवाईसी अगर करवा लेते हैं तो उन कस्टमर का आप जो कि पैसा निकासी फिर से करने स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप फिर से निकासी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा ऊपर से बैन किया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप जो कि ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपने केवाईसी नहीं करवा दिया, जैसे कि अगर आप बैंक में आप नहीं कस्टमर को भिजवाते हैं और केवाईसी नहीं करवाते तो वो ऑटोमेटिक नहीं चालू होगा, और वो कस्टमर जो कि बैंक से विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन आप चाहे कि आधार से ट्रांजेक्शन करना तो वो आधार से ट्रांजेक्शन नहीं होगा। वो कस्टमर जैसे ही जो कि बैंक से अगर वहां पे जाके केवाईसी करवा लेते हैं तो खाता यहाँ पे चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फिर से जो कि चालू करवा सकते हैं एपीएस ट्रांजेक्शन। तो आपको करना कुछ नहीं है, बैंक में उन कस्टमर को भेजना है, या आपका खुद का अकाउंट है तो आपको बैंक में जाना है, आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक का खाता का फोटो कॉपी लेकर के और बैंक में जाकर के आपको केवाईसी करवाना है, और वहां पे आप बता भी सकते हैं जो कि एपीएस ट्रांजेक्शन बंद है, एपीएस ट्रांजेक्शन आप चालू कीजिए, जो कि केवाईसी करके यहाँ पे केवाईसी जैसे ही करेंगे तो केवाईसी करने के बाद यहाँ पे चालू कर दिया जाएगा एपीएस ट्रांजेक्शन। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि एपीएस ट्रांजेक्शन अभी भी चालू है, जो कि केवाईसी करवाने के बाद यहाँ पे चालू कर दिया जाएगा जिन कस्टमर को पैसा विड्रॉल नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यह जानकारी काफी इंटरेस्टिंग लगा हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।